हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो कासोजू ब्रदर्स क्रिएटिव चैनल। इसी वीडियो में हम देख लेंगे कैसे हम पुराने वाले डीवीडी प्लेयर को इस्तेमाल करके एम्पलीफायर बना सकते हैं। इसके लिए हमको चाहिए पुराने वाले डीवीडी प्लेयर। इसमें आपको एम्पलीफायर का सर्किट रहता है, इसी सर्किट को इस्तेमाल करके हमें अच्छी तरफ से एम्पलीफायर बना सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पुराने डीवीडी प्लेयर है, ये पावर का स्विच है, स्पीकर वायर्स लगाने वाला क्लिप से इसको हम निकाल देंगे। ये वॉल्यूम कंट्रोलर से इसको भी हम निकाल देंगे। हम स्क्रू ड्राइवर के मदद से पूरा निकाल देंगे और ये सामने वाले एक वैल्यू कंट्रोलर्स भी निकाल देंगे। अब हमारा सर्किट पूरा निकाल दिया है हमने। ये तो SMPS का बॉक्स है, इसमें ही हम ये पूरा सर्किट लगा देंगे। ये तीन वैल्यूम कंट्रोलर्स है, ये स्पीकर वायर लगाने वाला है क्लिप से। ये ऑडियो इनपुट का वायर है, ये पावर का केबल है, यहाँ पावर का स्विच कट कर दिया हमने। ये वॉल्यूम कंट्रोलर्स को हमने आयरन शीट को यूज करके ऐसा शेप से बना दिया है हमने। ये पूरा तीन वॉल्यूम कंट्रोलर्स को एक आयरन शीट को मदद से उसको फिक्स कर देंगे कटिंग ब्लेड के मदद से। इसको हमने SMPS में फिट कर दिया स्क्रू के मदद से। ये जो स्पीकर लगाने वाला क्लिप से उसको भी SMPS के पीछे साइड में फिक्स कर दिया। ये तो आर्क स्पिन के लिए वो भी हमने फिक्स कर देंगे। हमें आर्क स्पिन को वायर्स फिक्स करना है। ये नीचे दोनों ग्राउंड वायर्स है, दोनों को एक ही वायर कनेक्ट कर देंगे। ये ऊपर वाला लेफ्ट है, ये वाला राइट है, ये दोनों को दोनों वायर कनेक्ट कर देंगे। उसको हम SMPS को फिक्स करते हैं। स्पीकर का वायर से उसको भी हम वायर्स कनेक्ट कर देंगे। तो पेन है, दोनों टुकड़ा लेंगे उसमें से। उसको हमने स्क्रू के मदद से फिक्स कर देंगे। ये दोनों फिक्स करने के बाद हम यहाँ इसमें सर्किट लगा देंगे। में पावर केबल्स को बोर्ड के साथ होल्डिंग करेंगे। उसके बाद स्विच के वायर्स को भी स्विच के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ये
230 वोल्ट्स का एसी सप्लाई देने वाला है। वो बोर्ड के साथ सोल्डरिंग कर लिया और ये स्विच का वायर से वो भी स्विच के साथ सोल्डरिंग कर दिया हमने, आप देख सकते हैं। ये स्विच है, अब हम ये वॉल्यूम कंट्रोल्स के भी सोल्डरिंग कर देंगे। ये वॉल्यूम का है, ये ब्लैक येलो रेड ये तीनों वायर्स उसके साथ सोल्डरिंग कर लेंगे। और ये बेस का है, ये इसको कनेक्ट कर देंगे हमने, कोई सोल्डरिंग करने की जरूरत नहीं है। ये बेस और ट्रिबल दोनों का हम कनेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने आक्स का वायर से ना वो भी बोर्ड के ऊपर कनेक्ट कर देंगे वो कनेक्टर के मदद से। और ये स्पीकर्स का वायर से स्पीकर वायर्स को भी हमने बोर्ड के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। हमने सारे कनेक्शंस दिया है, हमें कार्टन शीट को यूज करके उसके नीचे लगा देंगे क्योंकि ये शार्ट मत होना डब्बा से। ये तो पावर का एलईडी है, इसको हमने 20 ओम्स का रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया। इसमें देख सकते हैं आप, ये तो 500 वोल्ट का है, ये तो ग्राउंड का है, दोनों को हम एलईडी लाइट से कनेक्ट कर देंगे। ये एलईडी को हम इसमें रखेंगे क्योंकि ये लाइट को देख के हमारे को पता चलेगा ये सर्किट ऑन हुआ कि नहीं हुआ। अब हमारा एम्पलीफायर बन गया है। ये ब्लैक चार्ट को लेके उसके एम्पलीफायर के ऊपर चिपका देने हैं क्योंकि ये अच्छे दिखेगा। अब देख सकते हैं कितना अच्छे दिख रहा है ये पूरा। ये वाइट पेपर को लेके सामने चिपका देना है क्योंकि हम ये वॉल्यूम बेस और ट्रेबल एलईडी का डायरेक्शंस लिखा है वो दिखने के लिए हमने ये वाइट पेपर का इस्तेमाल किया है। एम्पलीफायर को हमने स्क्रूज यूज करके फिट कर देंगे। हमारा एम्पलीफायर पूरा कंप्लीट हुआ है, अब देख सकते हैं। ये 230 वोल्ट्स का पावर सप्लाई देने वाला वायर है। ये आक्स पिन का वायर है, इससे हमने एम्पलीफायर को इनपुट देता है। ये स्पीकर है, ये वायर्स को भी हमने एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। हम ये स्विच को ऑन करेंगे, आप देख सकते हैं सामने एलईडी ग्लो हुआ है। अब हम एम्पलीफायर को टेस्ट करेंगे। We'll be right back.
आप देख लिया है ना, पुराने वाले ड्यूटी प्लेयर को इस्तेमाल करके हमें अच्छी तरफ से एम्पलीफायर बना लिया। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपका फ्रेंड्स और आपके टेक्निकल बैकग्राउंड वाले दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको घंटी को बजा लेना बिल्कुल भी मत भूलना।